Hi friends, I'm Rajni Narsulekar. You are watching my YouTube channel Divine Energy Healing Powers. I'm Rajni Narsulekar. Hi friends, आज हम करने वाले हैं एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी स्पेल जार. ओके, आप जार देख रहे हैं. आप इस तरह से छोटी सी शीशी में भी आपका स्पेल हर्ब्स का जार बना सकते हैं, या आप बड़ी बॉटल में भी बनाकर अपने हॉल रूम में रख सकते हैं, राइट. लेकिन है ना, छोटी शीशी हमें इसलिए इस्तेमाल करनी है ताकि हम मेडिटेशन करते समय, रेकी के सिंबल्स बनाते समय या रेकी देते समय हम हाथ में लेके मेडिटेशन कर सकते हैं छोटी सी शीशी को लेके, राइट. और हम हमारे खुद के लिए भी कर सकते हैं, या फिर हम दूसरों के लिए भी हीलिंग्स कर सकते हैं. जब मैं हीलिंग की बात करती हूँ तो ये है ना एक साइड रिचुअल है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ साइड बाय साइड करने से मेडिकल ट्रीटमेंट में फास्ट एंड बेटर रिजल्ट्स आते हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट तो हमें करना ही चाहिए है, राइट. क्रिस्टल्स या कैंडल्स ये सब नेचुरल है, राइट. ये स्पिरिचुअल जर्नी का हीलिंग है. स्पिरिचुअल जर्नी के हीलिंग के साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी हमें करना चाहिए है, राइट. तो आज हम लोग करने वाले हैं पर्पल मैजिक, या फिर पर्पल पैराडाइज. पर्पल मैजिक बोलेंगे तो पर्पल लिंक्ड होता है हमारे क्राउन चक्रा के साथ में, राइट. पर्पल मैजिक में आ जाता है, या पर्पल पैराडाइज में आ जाता है हमारा क्राउन चक्रा और हमारा थर्ड आई चक्रा, राइट. तो जब हम पर्पल मैजिक करते हैं या पर्पल स्पेल जार बनाते हैं तब हम हीलिंग करते हैं हमारी क्राउन चक्रा की और हमारे थर्ड आई चक्रा की. मैंने लास्ट वीडियो एक मेरा बनाया ही था पर्पल पैराडाइज के ऊपर, राइट. एमेथिस के ऊपर, राइट. एमेथिस ये एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, एंटी स्ट्रेस क्रिस्टल है, राइट. ये हमारे क्राउन चक्रा को हील करता है, बैलेंस करता है और पॉजिटिविटी में लेकर आता है, राइट. डिप्रेशन बोलेंगे तो क्या, एंजाइटी बोलेंगे तो क्या, राइट. या फिर स्ट्रेस बोलेंगे तो क्या, राइट. घबराहट, फियर्स, लो एनर्जी, कॉन्फिडेंस नहीं, राइट. गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस, राइट. और ये सब स्टार्ट होता है हमारे क्राउन चक्रा से, राइट. अगर हमारा क्राउन चक्रा हील्ड है, बैलेंस्ड है, अलाइनमेंट में है तो हमें स्ट्रेस होता नहीं है, डिप्रेशन होता नहीं है और एंजाइटी होती नहीं है. हम फियरफुल होते नहीं हैं, हमें कोई गुस्सा नहीं रहता है. हर्ट यानी दुखी होना, सैड होना, गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेशन होना, राइट. डरना, घबराहट होना, ये पैल्पिटेशन होना, ये सब हमारे क्राउन चक्रा से ताल्लुकात रखता है. इसलिए हमें हमारा क्राउन चक्रा को हील करना चाहिए है, बैलेंस करना चाहिए है और अलाइनमेंट में रखना चाहिए है, राइट. सबसे बेस्ट है योगा और प्राणायाम, राइट. जो हमारे क्राउन चक्रा को 1000 पेटल्स वाला, 1000 फोल्ड वाला हमारा ये क्राउन चक्रा बहुत एक्सीलेंटली हील्ड हो जाता है
विथ योगा मेडिटेशन प्राणायाम राइट, इससे बहुत हमें फर्क गिरता है। या फिर आप अपने, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो आप अपने हैंड का भी मसाज कर सकते हैं राइट, अपने हथेली के ऊपर। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हमारे हाथों में भी 7 चक्रास के पॉइंट्स हैं, 7 ग्रहों के पॉइंट्स हैं। आप हमारे हथेली पे भी प्रेशर पॉइंट्स दे सकते हैं और हमारी घबराहट, हमारी एंजाइटी को हम दूर कर सकते हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी प्रेशर पॉइंट हमारे हथेली के ऊपर का राइट। फिलहाल आप है ना टैपिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, डिटॉक्स वाटर भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे ईयर्स, हमारे कानों का भी हल्का सा मसाज देने से भी स्ट्रेस दूर हो जाता है। हाथों पे और कानों पर मसाज देने पे भी हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। एनीवे, आज हम करने वाले हैं एंटी डिप्रेशन, एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी स्पेल जार। इसके लिए हमें लगेंगे ब्लू कलर के, पर्पल कलर की मोमबत्ती। देखिए मैंने पैराडाइज, ब्लू पैराडाइज बना दिया है। यहाँ पर ब्लू मोमबत्ती है, देन क्रिस्टल्स हैं, एमेथिस्ट, एमेथिस्ट क्रिस्टल जो पर्पल कलर का होता है राइट। फिर स्पेल जार्स मैंने लिए हैं और अभी हर्ब्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सेज है। सेज सबसे पहले हमें एक मिनट हमें धूप या अगरबत्ती लगा के स्पेल जार को रेडी करना है। सबसे पहले हम पानी से, एनर्जाइज वाटर से पवित्रम पवित्रम स्प्रे मारेंगे राइट। एनर्जाइज वाटर कैसे बनाता है मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया है, और उसके बाद में और भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। फिर धूप से या अगरबत्ती से हम जार को प्यूरिफाई कर रहे हैं राइट। उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें सब धुआं हुआ, ये प्यूरिफाई हो गया है, फ्रेश हो गया है ओके। अब मैं दो जार बना रही हूँ यहाँ पर अभी, एक एंटी स्ट्रेस एंटी डिप्रेशन जार और एक एजुकेशन जार, स्टडी जार राइट। ये भी पर्पल पैराडाइज या क्राउन चक्रा के साथ में लिंक्ड होता है एजुकेशन जार। अभी सबसे पहले हम दोनों जार में, एक एजुकेशन जार है, ये वाला एजुकेशन जार है, मैं मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ राइट, और ये वाला एंटी डिप्रेशन जार है, मैं मेरे फ्रेंड के लिए बना रही हूँ ओके। दोनों जार में सेज के पत्ते डाल रहे हैं अभी हम लोग। सेज काम करता है प्यूरिफिकेशन का और नेगेटिविटी को निकालने का, क्लीनिंग करता है, प्रोटेक्शन देता है सेज। उसके अगर आपके पास सेज नहीं है तो आप फ्रैंकिंसेंस ऑयल भी डाल सकते हैं, फ्रैंकिंसेंस ऑयल या सेज ऑयल भी डाल सकते हैं राइट। सेज ऑयल भी मिलता है बाहर मार्केट में, फ्रैंकिंसेंस ऑयल भी मिलता है, ये प्यूरिफिकेशन का और सफाई का काम करता है राइट। उसके बाद में हम डालेंगे रोज मैरी हर्ब मेंटल पावर के लिए होता है राइट। मेंटल पीस, मेंटल पावर के लिए रोज मैरी हर्ब हम डालते हैं। देखिए एजुकेशन जार में भी डाला है और एंटी डिप्रेशन जार में भी डाला है, क्योंकि हमें मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। रोज मैरी का हर्ब ज़्यादा डालिएगा प्लीज, क्योंकि पूरा मेंटल स्ट्रेंथ को हमारा पावरफुल बनाता है, वीक होने देता नहीं है, और प्रोटेक्शन एंड डिप्रेशन फोकस्ड रखता है, कंसंट्रेशन होता है, फोकस्ड होते हैं हम, कंसंट्रेटेड होते हैं हम, कंसंट्रेशन होता है रोजमेरी से। फिर हम लेंगे लेवेंडर, लेवेंडर ऑयल भी मिलता है और लेवेंडर हर्ब राइट।
लेवेंडर हमारे दिमाग को शांत करता है, राइट, काम करता है, शांत करता है, ठंडा करता है, स्मूथ करता है, ईज करता है। जो ट्रेस हुआ है हमें, ट्रेस रिमूवर है लेवेंडर, राइट, रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है। आप इसे एजुकेशन जार में भी डाल सकते हैं और आप इसे एंटी डिप्रेशन जार में भी डाल सकते हैं। लेवेंडर इज वेरी नाइस हर्ब, अगरबत्ती या उसका ऑयल फॉर ईजिंग, पूरा हमारी बॉडी को रेस्ट एंड रिजुवेनेट करता है, रिलैक्सिंग करता है और शांत करता है, राइट, एंजाइटी के अटैक्स नहीं होते हैं, पैनिक अटैक्स नहीं होते हैं। इसकी ऑयल भी मिलता है बाहर मार्केट में, आप इसका ऑयल भी डाल सकते हैं, इसके ऑयल भी मिलता है बाहर मार्केट में। फिर आपको बाहर मार्केट में रिलैक्सिंग ऑयल भी मिलता है, राइट, आप रिलैक्सिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। लेवेंडर का ऑयल मिलता है, आप लेवेंडर ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, पिपरमेंट ऑयल, पिपरमेंट ऑयल भी वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है फॉर एंटी डिप्रेशन के लिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑयल है। ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे सेज ऑयल फॉर प्रोटेक्शन, प्यूरिफिकेशन, क्लीनिंग। एजुकेशन जार में भी डाल रहे हैं और एंटी डिप्रेशन जार में भी डाल रहे हैं। उसके बाद में हम डालेंगे लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल हमारे दिमाग को स्मूथ करता है, ईज करता है, शांत करता है, काम करता है, राइट, ठंडा करता है, राइट। उसके बाद हम डालेंगे रिलैक्सिंग ऑयल बाहर मार्केट में, रिलैक्सिंग एसेंशियल ऑयल आपको मिलता है, आप वो अपने स्पेल जार में डाल सकते हैं, राइट। बाहर मार्केट में आपको पिपरमिंट ऑयल भी मिलता है, पिपरमिंट ऑयल इज फॉर मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पावर, राइट, हमारी मेंटल हेल्थ को एकदम टिप टॉप करता है। बाहर मार्केट में आपको सैंडलवुड ऑयल और रोज ऑयल भी मिलता है, आप सैंडलवुड ऑयल भी, उसकी खुशबू से हमारा दिमाग शांत होता है, राइट, और रोज ऑयल भी डालिए, क्योंकि है ना, हमें सेल्फ लव में आना चाहिए है। अक्सर है ना, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी वाले लोग, राइट, स्ट्रेस वाले लोग है ना, सेल्फ लव करते नहीं है, काफ़ी गुस्से में होते हैं, दुखी होते हैं, राइट, और फेयरफुल होते हैं, तो कभी कभी अपने जीवन का अहित भी कर देते हैं। इसके लिए उन्हें सेल्फ लव में आने के लिए भी हमें पिंक कलर का, रोज के पत्तों का भी इस्तेमाल करना चाहिए है। रोज के पत्ते डालिए प्लीज़, रोज के पंखुड़िया, रोज ऑयल डाला। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया जड़ी बूटी और तेल बाहर मार्केट में मिलता है फॉर एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, एंटी स्ट्रेस के लिए, दैट इज चैमोमिल, राइट, चैमोमिल हर्ब्स, राइट। ये देखिए, ये चैमोमिल हर्ब आपको बाहर मार्केट में मिलता है, स्पेलिंग बताना जरा वो इसका, चैमोमिल हर्ब और ऑयल दोनों मिलता है बाहर मार्केट में। ये सबसे बेस्ट जड़ी बूटी है और ऑयल है जो हमारे दिमाग को एकदम शांत करता है, कॉन्सेंट्रेटेड करता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है और हेल्दी बनाता है, ब्रेन पावर मिलता है और हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा करता है, रिलैक्स हो जाते हैं, जो भी टेंशन है सब गायब हो जाता है और हम पॉजिटिविटी में आते हैं। तो हमें चैमोमिल हर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए है। फिर आप डालिए बैसिल, बैसिल यानि तुलसी के पत्ते, तुलसी के पत्ते डालिए प्लीज़, तुलसी के पत्ते डालना है। फिर मैंने आपको बताया कि हमें हर्ब में लेवेंडर हर्ब भी डालना चाहिए है और वो हमने डाला है, राइट, तुलसी के पत्ते डाल रहे हैं अभी, मिंट भी डालिए,
पिपरमेंट जैसा हमने डाला ना, पिपरमेंट इज अ मेंटल पावर के लिए, उस तरह से मिंट के पत्तों का भी हमें जड़ी बूटी डालनी है हमारे एंटी स्ट्रेस जार में। पिपरमिंट, मिंट लीव्स, फिर हमें सौंठ भी डालना है, राइट। ये भी सौंठ भी है ना, एंटी डिप्रेशन का काम करता है। और एक जड़ी बूटी बाहर मार्केट में मिलती है, दैट इज कैलेंडुला सीड्स, कैलेंडुला ऑयल या हर्ब। ये फॉर हीलिंग है एंड फॉर गुड हेल्थ है, राइट। फॉर हीलिंग एंड गुड हेल्थ के लिए हम कैलेंडुला ऑयल एंड कैलेंडुला हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे एजुकेशन स्पेल जार में और हमारे एंटी डिप्रेशन स्पेल जार में। थीम नाम का जड़ी बूटी भी हम डालेंगे, थीम, ओके। और फिर हम लोग है ना पिंक सॉल्ट डालना भूल गए, राइट। जो नेगेटिविटी को दूर रखता है, क्लीनिंग करता है, प्यूरिफिकेशन करता है, राइट। और पॉजिटिविटी देता है, हमें हिमालयन पिंक सॉल्ट डालना है। दोनों जार में डालिए, राइट। ये दिमाग, पर्पल कलर दिमाग के लिए होता है, राइट। पॉजिटिविटी के लिए होता है, क्योंकि डिप्रेशन बोलेंगे तो पूरा नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, घबराहट, फियर, राइट, एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, टेंशन हो रहा है, काफ़ी वरी 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 हो रही है, बात बात हर बात पे नेगेटिविटी सोचना हो रहा है, हमारा माइंड फोकस्ड नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, राइट, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो है ना हमारा क्राउन चक्र है ना पर्पल कलर का है, इसके लिए हमने पर्पल पैराडाइज बनाया। और पर्पल क्रिस्टल एमेथिस्ट है, उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, राइट। अभी हम सारे क्रिस्टल्स डालेंगे फ्रेंड्स, अभी हम हमारे स्पेल जार में डालेंगे एमेथिस्ट चिप्स, राइट। एमेथिस्ट के ऐसी चिप्स होते हैं, राइट। आपको पता है एमेथिस्ट इज फॉर गुड एजुकेशन, रेस्टिंग, रिलैक्सेशन और एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी क्रिस्टल है एमेथिस्ट, ओके। इसके हमने चिप्स डाले हैं, थोड़े और डालना प्लीज, एमेथिस्ट की चिप्स थोड़े और डालिए, ताकि मेरा बेटा भी पढ़ाई में बहुत होशियार हो और मेरा फ्रेंड भी रिलैक्स हो जाए, राइट, और गुस्सा गुस्सा छोड़ दे, ओके। एमेथिस्ट चिप्स डालने के बाद में हम देखिए डिप्रेशन में घबराहट भी होती है, डर लगता है, घबराहट होती है, राइट। इसके लिए हमें यूज करना है टाइगर आईज चिप्स ऑल्सो, राइट। टाइगर आईज का हमें क्रिस्टल का चिप्स इस्तेमाल करना है, टाइगर आई चिप्स। टाइगर आई, टाइगर के नाम से ही आप देखोगे वो है ना डर नाम की चीज निकल जाती है, राइट। और हम डरते नहीं हैं, घबराहट होती नहीं है, एंजाइटी होती नहीं है, डिप्रेशन होता नहीं है। टाइगर आईज की अंगूठी, ब्रेसलेट वगैरह यूज करना चाहिए है। ये टाइगर आईज का क्रिस्टल है, टाइगर आई क्रिस्टल, ओके। टाइगर आई थ्री टाइप्स का मिलता है, रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर। फिर लैपिस लेजुली ब्लू कलर का, लैपिस लेजुली दिस इज ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन, राइट। इसे डर लगता नहीं है, प्रोटेक्शन है, राइट, कॉन्फिडेंट है, ब्रेवरी आती है, राइट। लैपिस लेजुली, लैपिस लेजुली इज फॉर प्रोटेक्शन एंड ब्रेवरी। फिर हम इस्तेमाल करेंगे रेड कार्नेलियन, रेड कार्नेलियन क्रिस्टल, राइट। ये करेज देता है, हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस देता है, डेयरिंग देता है, राइट, रेड कार्नेलियन। इसके बाद में हम डालेंगे ब्लैक ऑनेक्स एंड ब्लैक ऑक्सीडेंट
एंड ब्लैक टॉर्मलिन के चिप्स, ओके, ब्लैक ऑनेक्स, ब्लैक कार्नर, ब्लैक ऑनेक्स, ब्लैक ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट और ब्लैक टॉर्मलिन चिप्स, ये प्रोटेक्शन के लिए है और कॉन्फिडेंस देता है हमें और करेज देता है, हमें डर लगता नहीं है, एंजाइटी होती नहीं है, घबराहट होती नहीं है, हम ब्रेव हो जाते हैं, राइट. अभी हमारा सारा क्रिस्टल्स हो गया. अभी लेवेंडर कलर का पेन से और लेवेंडर चिट बनानी है. इस तरह से आपको छोटा सा चिट बनाना है, राइट, दोनों बॉटल में डालने के लिए. अभी फिलहाल मेरे पास में यहाँ पे लेवेंडर पेन अभी यहाँ रखी थी, पता नहीं कहाँ गई, और लेवेंडर चिट भी उड़ के चला गया है. तो मैं रेड का इस्तेमाल कर सकती हूँ, राइट. ये चीट बना के छोटा सा रोल बना के हमें इन बॉटल्स में डालना है. हमें अफर्मेशन डालना है, एंजल नंबर डालना है, स्विच वर्ड डालना है, राइट. तो स्विच वर्ड हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो जो भी हमारा दिमाग में घबराहट है, राइट, जिसकी वजह से हमें एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, राइट, तो वो घबराहट को हमने कहना है क्लियर, कैंसिल, डिलीट, फिनिश, राइट. कैंसिल, 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 जो भी घबराहट है हमारे अंदर उसे हमें बोलना है कट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट, फिनिश, कट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट, फिनिश. वो चीज़ जो हमें सता रही है वो फिनिश हो गई है, डिलीट हो गई है, ख़त्म हो गई है. और एजुकेशन के लिए स्विच वर्ड हम बोलेंगे गुड एजुकेशन, आई एम एजुकेटेड, गुड एजुकेशन, आई एम एजुकेटेड, गुड एजुकेशन, आई एम एजुकेटेड. हमें इसके अंदर दालचीनी का टुकड़ा डालना है, राइट, फॉर गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, राइट, पॉजिटिविटी. दालचीनी का पाउडर या दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा डाला है. फिर अभी हमने चिट लिख के रेडी किया है, राइट. एक मेरे बेटे का है, राइट, उसे अच्छा एजुकेशन मिले, एजुकेटेड हो जाए. और एक मेरा फ्रेंड का है, राइट, वो हील्ड हो जाए, राइट, उसे अच्छा महसूस हो करके. फिर हमें है ना, तो हमारे ये दिमाग के लिए और हमारे थर्ड आई चक्रा के लिए हमने ये स्पेल जार बनाया है, राइट. जो भी व्यक्ति के लिए ये बनाया है, चाहे वो एजुकेशन के लिए, बच्चे के लिए है, तो उसने चंदन, हल्दी, केसर और रोज़ वाटर मिक्स केला लेप अपने थर्ड आई चक्रा पे लगाना चाहिए है, माथे पे लगाना चाहिए. मैं अक्सर लगाकर आपको बताती हूँ, राइट. उसी तरह से चंदन, हल्दी, केसर और रोज़ वाटर का तिलक जिसे किसी भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस होता है, उन्होंने लगाने से थर्ड आई चक्रा शांत हो जाता है, हील्ड हो जाता है. और जब थर्ड आई चक्रा शांत हो जाता है, हील्ड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्राउन चक्रा शांत हो जाता है, हील्ड हो जाता है, अलाइनमेंट में आता है और पॉजिटिविटी की ओर चल पड़ता है, अच्छी सोच के मालिक हो जाते हैं. जार में लैब्राडोर डाइट नाम का ये जो क्रिस्टल है, इसके चिप्स भी डालने चाहिए हैं. लैब्राडोर डाइट फॉर गुड एजुकेशन, ओके. अभी हम बॉटल को सील करेंगे, राइट. और दुआ पूजा मैनिफेस्टेशन के लिए रखेंगे, ओके. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन हमें करना है, राइट. जिस काम के लिए हमने ये रिचुअल किया है, स्पेल किया है, इसमें कामयाबी हो करके अभी हम. हाय फ्रेंड्स, ये देखिए अभी सारे कैंडल्स, पर्पल कैंडल्स रिपिंग दिख रहे हैं, लेकिन सारे पर्पल कैंडल्स हैं. और दो जार है देखिए, एक एंटी स्ट्रेस, एंटी एंजाइटी जार और एक एजुकेशन जार, राइट. दोनों के इंग्रेडिएंट्स सेम थे, राइट. जिसका
क्राउन चक्रा बैलेंस्ड होता है, हील्ड होता है, राइट, वो अच्छा एजुकेशन करता है और कामयाब सक्सेसफुल विक्टोरियस होता है, विक्ट्री प्राप्त करता है। और जिसका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस्ड हो जाता है, राइट, उसे डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, स्ट्रेस हो जाता है, राइट। हमारे दिमाग का सारा खेल होता है, राइट। अगर हम घबरा जाते हैं, राइट, गुस्सा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो कभी कभी हमारे क्राउन चक्रा हील्ड नहीं है, बैलेंस नहीं है, राइट, तो कई बार हम सुसाइड भी कर देते हैं, राइट। और जो लोग देखिए, भगवान है ना, जीवन में जब हमें दुख देता है, राइट, या किसी वजह से हमें दुख होता है, तो बहुत से लोग घबरा कर डिप्रेशन में चले जाते हैं और स्ट्रेस करते हैं, एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं उनको, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, राइट। और कोई कोई लोग और डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और घबराहट में कभी कभी उनकी मेंटल इम्बैलेंस हो जाती है और कई लोग सुसाइड भी कर देते हैं। लेकिन कई लोग, राइट, इस दर्द को, इस दुख को डाइजेस्ट करते हैं, राइट, और हीलर बन जाते हैं, राइट। ईश्वर को अगर अपना कोई काम आपसे करवा के लेना है, राइट, जन कल्याण, जन सेवा, जनहित काम आपसे करवा के लेना है, तो ईश्वर आपको पहले दुख दर्द देता है, तभी तो आप दूसरों के दुख दर्द समझ पाओगे ना, राइट। जब तक आपको दुख दर्द नहीं होगा, तब तक आप दूसरे दुखियों को कैसे समझ पाओगे, राइट। इसके लिए आपको दुख दिया जाता है, राइट, तो आप घबरा के डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? आप ईश्वर से पूछो ना कि उसे आपसे कौन सा काम करवा के लेना है, राइट। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे एजुकेशन के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मेरे पापा गरीब घर से थे, मुझे भी फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, राइट। तो वो दिन मुझे याद आए, इसीलिए तो कोरोना में मैंने मेरे प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल के सब बच्चों को फीस माफ कर दी थी, क्योंकि बचपन में मैंने भी देखा था मेरे पापा के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते थे, राइट। तो ईश्वर जब हमें कुछ उसका काम करवाने वाला होता है, तब हमें दुख आता है। तो इसमें घबराहट क्या करना है, फ्रस्ट्रेशन क्या करना है, गुस्सा क्या करना है, पैनिक अटैक्स क्या लेने हैं? मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, टैपिंग एक्सरसाइज कीजिए, डिटॉक्स वाटर पीजिए, प्रेशर पॉइंट एक्यूप्रेशर कीजिए, राइट, रिलैक्स होइए, स्पेल जार बनाइए, प्रेयर्स कीजिए, आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको ईश्वर गाइड कर देंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो डरने की बात नहीं होती है, ईश्वर आपको अगर दुख दिया है तो ईश्वर को कुछ तो बहुत बढ़िया काम करवा के लेना है आपसे, इसके लिए आपको दुख दिया है माय डियर। आप ढूंढिए ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है और उस मार्ग से हो लीजिए। बहुत सारे हीलर्स, राइट, डिप्रेशन के बाद ही, एंजाइटी के बाद ही, स्ट्रेस के बाद ही बहुत बड़े हीलर बने, खुद को पहला हील किया और अभी जगत को हील करने के लिए लग गए हैं। मुझे भी दुख हुआ था, मैंने मेरे दुख को डाइजेस्ट किया और मैं आज हीलर बनना चाहती हूँ, राइट। छोटे मोटे कोर्स कर रही हूँ और अपने आप को मेरे रिटायरमेंट के बाद वाला मेरा सेकेंड कैरियर होगा एज ए हीलर। फिर मेरा दोस्त है ना, योगा टीचर क्यों नहीं बनता है, जिम टीचर क्यों नहीं बनता है, मेडिटेशन टीचर क्यों नहीं बनता है, रेकी टीचर क्यों नहीं बनता है, ऐसे एंजाइटी और डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो माय डियर आप, राइट। रेकी मास्टर बनिए, ग्रैंड मास्टर बनिए, योगा टीचर बनिए, प्राणायाम टीचर बनिए, मेडिटेशन टीचर बनिए, कितना लोगों के काम आ सकते हैं वो आप। थैंक यू सो मच।
अब इस स्पेल जार में एंटी डिप्रेशन और एजुकेशन स्पेल जार में मैनिफेस्टेशन किया गया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया गया है, विजुअलाइजेशन और इंटेंशन डाला गया है। और अभी पर्पल मोमबत्ती से उसकी मोम से बॉटल को सील किया जा रहा है और इसको प्रेयर्स में रखेंगे। इसको हमारे साथ में लेकर हम जा सकते हैं, हमारे पर्स में, हमारे पॉकेट में रख सकते हैं, राइट। पूरे मोम से उसको सील कर देंगे। अभी इस तरह से बॉटल को अभी मोम से, कैंडल से सील किया गया। ओके, ये स्पेल बॉटल है, राइट। एंटी स्ट्रेस, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी और एजुकेशन बॉटल, राइट। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन के लिए स्पेल जार हमने बनाया है। इसी तरह से हम वो जो बैग्स बना सकते हैं या बाउल्स बना सकते हैं और घर में ऐसे हम रख सकते हैं। फिर इसके ऊपर रोज हमें पूजा, प्रेयर्स करनी है, मैनिफेस्टेशन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है। स्पिरिचुअल जर्नी का ये हीलिंग है। इस बॉटल को हील करते समय जिस व्यक्ति के लिए हम लोग ये कर रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में प्रेयर्स करनी है। फिर रेकी के सिंबल्स डालने हैं, एंजल। अगर आपके पास में रेकी सिंबल्स है तो रेकी सिंबल्स डालिए। एंजल थेरेपी के आपको कुछ मालूम है तो आप एंजल सिंबल्स डालिए, या फिर आप है ना ओम भी डाल सकते हैं, स्वस्तिक भी डाल सकते हैं, राइट। बहुत टाइप के सिंबल्स आपको स्पिरिचुअल जर्नी में सीखने के लिए मिलते हैं, राइट। इस बॉटल को, इस जार को रोज रेकी हीलिंग देनी है, राइट। उस व्यक्ति को रोज रेकी हीलिंग देनी है, प्रेयर्स देना है, आशीर्वाद देना है, राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे करना है, अफर्मेशन ऐसे देने हैं कि वो सब ठीक हो गया है। जो जिसको डिप्रेशन है वो ठीक हो चुके हैं, हैप्पी, हेल्दी है और बहुत बड़े हीलर हो चुके हैं, या फिर बहुत बड़े सक्सेसफुल टॉप लेवल के इंसान बने हैं। उसी तरह से जिस बच्चे के लिए हमने एजुकेशन जार बनाया है, वो डिग्री होल्डर हो गया है, बहुत बड़ा इंजीनियर हो गया है, हाईली सक्सेसफुल, विक्टोरियस, कामयाब हुआ है, राइट। इस तरह से हमें अफर्मेशन देना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, प्रेयर्स करना है, रेकी करना है, रेकी हीलिंग देना है, एंजल हीलिंग देना है, सिंबल हीलिंग देनी है। थैंक यू सो मच। इसके साथ में हमें मेडिकली भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए है और पढ़ाई भी करना चाहिए है। ऐसा नहीं समझो कि अभी हमने जार बनाया, हाँ प्रेयर्स किया तो पढ़ाई नहीं करेंगे। नहीं, हमें पढ़ाई भी करनी है। और अगर आप दिमागी थोड़ा सा रेस्टलेस है तो डॉक्टरी इलाज भी आपको करना चाहिए है। थैंक यू सो मच। फ्रेंड नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर्स। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल डिवाइन एनर्जी हीलिंग पावर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर ऑल लव, हेल्प एंड कोऑपरेशन इन लाइकिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स अ लॉट। गॉड ब्लेस यू।